मिर्ची बॉलीवुड। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राधिका। जब कभी बॉलीवुड में संघर्ष की कहानी लिखी पढ़ी या सुनी जाएगी, इनके नाम का जिक्र जरूर किया जाएगा। मजबूत इरादे और अपनी मेहनत के बलबूते बॉलीवुड में इन्होंने ना सिर्फ पहचान बनाई बल्कि बेहतरीन एक्टर्स की लिस्ट में टॉप पर आए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शानदार एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की। और आज हम इनके बारे में बताने वाले हैं ऐसी अनसुनी बातें जिन्हें सुनकर आप शॉक रह जाएंगे। 19 मई 1974 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना गांव में नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जन्म हुआ था। यही उनका बचपन भी था। इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई भी इसी गांव से की। नवाज के पिता किसान थे और 9 भाई बहनों के बड़े परिवार में ये पले बढ़े। इनके 6 भाई हैं और 2 बहनें हैं। नवाज के गांव में कोई भी थिएटर नहीं था। फिल्म देखने के लिए इन्हें 45 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। इन्होंने मुंबई आने से पहले तक सिर्फ 5 फिल्में ही देखी थी। ग्रेजुएशन के बाद नवाज ने वडोदरा में चीफ केमिस्ट की जॉब की। 1 साल बाद यहां से नवाज दिल्ली गए, जहां इन्होंने अपना खर्चा चलाने के लिए वॉचमैन की नौकरी भी की। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पहली फिल्म आमिर खान की सरफरोश थी, जिसमें नवाज ने आतंकवादी का रोल निभाया था। नवाज का इसमें बहुत छोटा रोल था। वो कब आते हैं और कब चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। नवाज पार्टियों से दूर रहते हैं। नवाज का कोई पीआर मैनेजर भी नहीं है। ये अपने इंटरव्यू और डेट्स खुद ही हैंडल करते हैं। नवाज ने पहली बार फिल्म मिस लवली में अपनी को स्टार निहारिका को किस किया था। नवाज का कहना है कि इससे पहले उन्होंने अपनी बीवी को भी किस नहीं किया था। नवाज का रोल मॉडल कोई मेगा स्टार या सुपरस्टार नहीं बल्कि एक्टर आशीष विद्यार्थी है। नवाज बचपन से ही एक बैडमिंटन प्लेयर बनना चाहते थे, लेकिन घुटनों में चोट लगने की वजह से वो ख्वाब अधूरा रह गया और ये एक्टर बन गए। नवाज के करियर में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर रहा। इस फिल्म में फैजल नाम के किरदार में नवाज ने जान डाल दी। तो ये थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी से जुड़े 10 अननोन फैक्ट्स। आपको कैसी लगी हमारी ये स्टोरी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।